अगर कोई लोग चले जाते थे और राजा ने अगर जिसकी ओर राजदंड बढ़ा दिया वो तो बच जाता था, उसकी जान तो बच जाती थी, परंतु जिसकी ओर अगर उसने राजदंड नहीं बढ़ाया जाता था उसे मार डाला जाता था। ये ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड में बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। प्रकाशित वाक्य में पिछले संदेश में हमने थुआतीरा की कलीसिया के 5वें भाग में हमने सीखा था कि प्रभु अपने लोगों को जो रिवार्ड दे रहा है, उस समय के लोगों को क्या रिवार्ड देना चाहता है, उसके विषय में हमने एक पॉइंट के विषय में हमने सीखा था। आज प्रकाशित वाक्य में से थुआतीरा की कलीसिया का 6वां भाग में हम इसी रिवार्ड के बारे में सीखेंगे कि रिवार्ड के विषय में परमेश्वर का वचन जो है हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और क्या कहना चाहता है। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 से 29 पद तक आप पढ़ सकते हैं और निकाल के भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम बात करेंगे आज प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 27, 28 और 29 पद, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए, सबसे पहली बात जो है हम यहाँ पर बात करेंगे लोहे का राजदंड। लोहे का राजदंड जो है वो क्या होता है? एक राजदंड जो होता है लोहे की एक छड़ी के रूप में है, उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। और ये सिर्फ लोहे का नहीं था, यहाँ पर लोहे का दिया हुआ है। जब पहले राजा महाराजा होते थे तो किसी के पास सोने का, किसी के पास चांदी का, किसी के पास लकड़ी का और किसी के पास लोहे का राजदंड होता था। ये राजदंड होता क्या था ये जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि ये राजदंड क्या होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में राजदंड होता है वे भीड़ में भी पहचाना जा सकता है कि वो ही राजा है। जी हाँ, एक राजा के हाथ में होता है। अब क्यों होता है? किसी राजा का जब राजा पद होने के लिए अभिषेक, राज अभिषेक किया जाता है, तो उस समय उसके नए शासक के रूप में उसको राजदंड जो है इसलिए सौंपा जाता था कि राजा जो है सत्ता से जुड़े हर आदमी का, हर जनता का जो है, और चाहे वो सत्ता से जुड़ा हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबका जो है वो बिना पक्षपात किए न्याय करे। राजदंड पाया व्यक्ति जो होता है वो न्यायाधीश होता है, उसको न्यायाधीश के रूप में भी देखा जाता है। तो यहां पर जो है परमेश्वर जो थुआतीरा के लोगों को कह रहा कि मैं उन्हें लोहे का राजदंड दूंगा, यानी परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें क्या बनाऊंगा, मैं उन्हें न्यायाधीश बनाऊंगा कि वो लोगों का जो है न्याय करेंगे। तो एक जनता के रूप में जो है बिना पक्षपात किए क्या कहते हैं न्याय करना चाहिए। आपने देखा होगा पुराने समय में जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि उस समय में लोगों के पास से राजदंड नहीं हुआ करता था, लोगों के पास जो थी लाठी हुआ करती थी, राजा महाराजा लाठी भी रखते थे, और मूसा के पास भी जो थी वो लाठी होती थी और वो लाठी से उन सारे कार्य को करता था। जब आप एस्तर के बारे में पढ़ेंगे, राजदंड का एक रूप भी मैं बता देना चाहता हूं कि राजा जो है राजा से कोई बिना उसकी परमिशन के, बिना ऐसे कोई मिलने नहीं पहुंच जाता था कि आप चले गए। अगर कोई लोग चले जाते थे और राजा ने अगर जिसकी ओर राजदंड बढ़ा दिया वो तो बच जाता था, उसकी जान तो बच जाती थी, परंतु जिसकी ओर अगर उसने राजदंड नहीं बढ़ाया जाता था उसे मार डाला जाता था। ये ध्यान दीजिएगा। तो रानी एस्तर भी बिना राजा के परमिशन के जो है वो उसके पास पहुंच जाती कि मैं जाऊंगी, तुम लोग मेरे लिए 3 दिन तक फास्टिंग करके प्रार्थना करना, मैं राजा के बिना परमिशन के उसके पास जाऊंगी, और अगर वो राजदंड बढ़ाता है तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। मगर परमेश्वर की योजना होती है रानी एस्तर के लिए, और जब वो राजा की बिना परमिशन के उसके पास जाती है तो राजा जो होता है उसे देखकर खुश हो जाता है और अपना राजदंड जो है वो उसकी ओर क्या करता है, वो बढ़ाता है और वो बच जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि राजदंड क्या है। राजदंड उसके हाथ में दिया जाता है जो न्यायाधीश होता है। जी हाँ, परमेश्वर जो है थुआतीरा के लोगों को क्या करना चाहता है, वो कहता है मैं इन्हें न्यायाधीश का जो हूं वो पद दूंगा, परमेश्वर बताता है। फिर वो क्या कहता है, देखिए कि मैं उसे
भोर का चमकता हुआ तारा दूंगा। पहले हम ये समझ लें कि तारा क्या चीज है। देखिए तारे के बारे में जब आप पढ़ेंगे अय्यूब 38 और उसका 7 पद, तो यहां लिखा हुआ है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यानी तारा जो है पुत्र की उपाधि दी गई है। जब तारे के बारे में आप पढ़ेंगे, तो जब हम 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाशित वाक्य 1:20 में भी लिखा है कि जो 7 तारे हैं वो 7 कलीसियाओं के दूत हैं। जब आप उत्पत्ति 37 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 9-10 पद को पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि जो 12 तारे हैं वो उसके भाई हैं। यानी सॉरी 11 जो तारे हैं वो किसके, यूसुफ के भाई हैं। 11 तारे यूसुफ के भाई हैं, उनको दर्शाया गया है। जब आप यशाया 14:12 पद पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर गिरा दिया गया। तो ये भोर का जो चमकने वाला तारा था, ये स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत था, और इसे परमेश्वर ने जो है बहुत उपाधि दे रखी थी और बहुत कुछ। ये छा जाने वाला करूप था, परंतु जब घमंड आया और जब ये घमंड से भर गया, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, तो परमेश्वर ने इसे नीचे गिरा दिया। वो तारा नहीं गिरा दिया, तारा एक उपाधि है, वो उपाधि वही बनी रही। अब इस उपाधि को, इस पुत्र की उपाधि को या इस पोस्ट को किसने लिया? अक्सर लोग तारा ये समझने लगते हैं कि साहब ये तारा है, तो ये एक उपाधि है जो परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को दी थी, जो करूप था, जो छा जाने वाला फरिश्ता था। आप एजेकेल 28 अध्याय को भी पढ़ सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है इस बात के बारे में। परंतु उसके बाद जब उसने ये उपाधि, ये भोर के तारे की उपाधि जब उसने खो दी, तब ये उपाधि किसको मिली है? यहां पर प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 16 पद है। यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 16 पद है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं भोर का चमकता हुआ क्या हूं? तारा। अब ध्यान देने की बात है, यीशु मसीह क्या है? भोर का चमकता हुआ तारा है। अब यीशु मसीह थुआतीरा के लोगों को क्या कह रहा है कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा देने का मतलब है यीशु मसीह अपने आप को खुद दे देगा, या यीशु मसीह जो भोर के तारे एक उपाधि है, वो उपाधि उनको भी देगा अपने साथ, यानी वो भी भोर का तारा कहलाए जाएंगे। वो उपाधि भी जो है प्रभु यीशु मसीह उनको देगा। बड़े समझने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा के समय के लोगों को क्या देने चाह रहा है। यदि वो भोर का तारा यानी वो उपाधि हमें मिलेगी, तो हम कहां आएंगे? हम पुत्र की श्रेणी में आएंगे, हम प्रधानों की श्रेणी में आएंगे, और परमेश्वर जो है हमारी हमारे अंदर एक अपनी एक क्वालिटी होगी। क्योंकि जब आप भोर के तारे के बारे में, जब वो शैतान के बारे में पढ़ेंगे जिसके पास वो उपाधि थी, तो उसके अंदर एक क्वालिटी थी। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर तो बहुत ही उत्तम और अद्भुत क्वालिटियां हैं, आज भी हैं, और इसलिए वो भोर का जो है वो चमकता हुआ क्या है? वो तारा है। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। दूसरा, जब दूसरा पत्रस 1:19 पद पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा, मैं सिर्फ पॉइंट बता रहा हूं आपको, जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में क्या करे, चमकना उठे। देखिए भोर का तारा हमारे हृदय में चमकना चाहिए। अब भोर का तारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर शाइनिंग करना चाहिए, उसका प्रकाश। फॉर एग्जाम्पल, जब मूसा ने परमेश्वर का दर्शन पाया, मूसा ने जब परमेश्वर का दर्शन पाया, और तो उसके चेहरे से क्या था, रोशनी निकलने लगी, और वो रोशनी लोगों को प्रभावित करती थी, लोगों पे असर डालती थी। तो वही चीज है, प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा, तो उस तारे की जो चमक है, जो रोशनी है, वो चमकना चाहिए और लोगों पर उसका प्रभाव होना चाहिए। वो हमारे अंदर हृदय में क्या होना चाहिए, वो बसा होना चाहिए। क्यों कहता है इफिसियों 5 अध्याय उसका 8 पद, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब हमारी ज्योति है कौन? हमारी ज्योति कौन है? हमारी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति में हूं। जब जगत की ज्योति वो हूं, तो हम ज्योति की संतान है, यानी यीशु मसीह की संतान है, और हमें उसके अनुसार चलना। जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तो भोर का तारा हमारे जीवन में अपने आप क्या करता है, शाइनिंग मारने लगता है,
चमकने लगता है और हमें भोर के तारे की वो उपाधि यानी पुत्र की उपाधि जो है वो हमें मिल जाती है। तो थुआथीरा के लोगों को वो ये चीज देना चाहता है, उस समय के लोगों को ये रिवार्ड देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये रिवार्ड हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, हम ज्योति की संतान कहलाएं, हम वो भोर का तारा हमारे हृदय में भी चमके ताकि दूसरे लोग भी क्या कहते हैं उसकी रोशनी से रोशन हो सके, उसका प्रकाश पा सके और उनके हृदय में भी भोर का तारा चमके। हमें ये परमेश्वर में जो है हमें इन बातों को अपने जीवन में बनाए रखना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।